नमस्कार साथियों, फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ग्राम सचिव की लिखित परीक्षा की आंसर की के बारे में। तो जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से जुड़े रहें। तो साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर प्रश्न एक की अगर बात की जाए तो उसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो साथियों ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या दो की, तो इसमें जो सी ऑप्शन है 7 वो ठीक ऑप्शन है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा यानी कि लीबिया इसका सही उत्तर है। और बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, श्रृंखला पूर्ण करें, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो सी है 511। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 301। और अब बात करते हैं प्रश्न 6 की, तो साथियों इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी 1991 इसका सही ऑप्शन है। और अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, तो बी जो ऑप्शन है 125 वो सही ऑप्शन है। और जहां तक प्रश्न संख्या 8 की बात है, तो 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था और 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो साथियों ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसका जो उत्तर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा दिन रहेगा। तो साथियों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, तो जहां तक इस प्रश्न की बात है जो सही ऑप्शन है वो है सी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, और प्रश्न 12 जो है रीजनिंग का है, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो है ए ग्राम पंचायत। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए, तो इसमें सी जो है सही ऑप्शन है 15/16। और जहां तक क्वेश्चन 15 की बात है, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सोनीपत। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो है ए। और अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी 16। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है ए उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। और साथियों क्वेश्चन संख्या जो 20 है, उसमें फॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, 1 बिंदु 1 इंच का डैश होता है, 1/72 इसका सही आंसर है आंसर बी। और जहां तक 21वें प्रश्न की बात है, तो साथियों इसमें जो सही उत्तर है वो है बी। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी लॉर्ड रिपन इसका सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 23 की अगर बात की जाए, तो साथियों इसका भी जो ऑप्शन है वो बी है, लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र। और क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात की जाए, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। और साथियों जो क्वेश्चन है 25, उसमें अगर सही आंसर की बात की जाए, तो इसमें जो सही आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी ए बी डी सत्य हैं। अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 26 की, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो रहेगा डी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। और प्रश्न संख्या 27 की अगर बात की जाए, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी। अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 28 की, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ए कंपाइलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो रहेगा डी हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कंप्यूटर, और इसका सही ऑप्शन जो है बी है। और बात की जाए अगर 31वें प्रश्न की, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए महादजी सिंधिया, तो इसका सही ऑप्शन ए रहेगा। और बात की जाए प्रश्न संख्या 32 की, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो रहेगा डी
अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 33 की, तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी जींद किला। और 34वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा आंसर डी। अब अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो रहेगा आपका बी, क्योंकि हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे पूछा गया है, तो इसमें राव वीरेंद्र सिंह न होके सही ऑप्शन शन्नो देवी रहेगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न जो है 36वां, इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा बी 22 मीटर। और क्वेश्चन 38 के अंदर जो सही ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यमुनानगर। और क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात की जाए तो इसमें सही ऑप्शन है वो रहेगा आपका डी धारा 133। और अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसमें जाकिर हुसैन और फकरुद्दीन अली अहमद इसका ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 3। अब बात की जाए 41वें प्रश्न की, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन डी कपिल देव। और साथियों बात की जाए अगर प्रश्न संख्या 42 की, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन ए। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है बी 204 रुपये। प्रश्न संख्या 44 की अगर बात की जाए तो ए इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका जो सही उत्तर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए रूल। तो बात की जाए प्रश्न संख्या 46 की, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा डी अकबर। और बात की जाए प्रश्न संख्या 47 की, तो साथियों इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन डी हिसार। और बात की जाए प्रश्न संख्या 48 की, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन डी राज्यपाल। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल। और 50वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो रहेगा डी नवाब फिदाई खान। और बात की जाए 51वें प्रश्न की, तो साथियों इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो रहेगा डी पेप्टीकरण। और प्रश्न संख्या 52 की अगर बात की जाए, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है, तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो रहेगा बी पानीपत। और इसी तरह 53वां जो प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा 10% हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी 1.34। और बात की जाए 54वें प्रश्न की, तो इसमें जो आंसर है वो रहेगा रैम, डी ऑप्शन रहेगा इसका, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आकार। और बात की जाए अगले प्रश्न की, तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन बी धारा 183। और जो 56वां प्रश्न है उसकी अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन रहेगा सी 23। और बात की जाए अगर 57वें प्रश्न की, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन वो रहेगा ऑप्शन सी सत्ता का विकेंद्रीकरण। और इसी तरह जो 58वां प्रश्न है उसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो उसमें ऑप्शन सी 243F जो अनुच्छेद है वो करेक्ट आंसर है। और बात की जाए अगर प्रश्न संख्या 60 की, तो इसमें जो सी ऑप्शन है 11 जुलाई वो सही उत्तर है। और अगर बात की जाए 61वें प्रश्न की, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा सी बलवंत राय मेहता। और 62वां जो प्रश्न है उसमें अगर उत्तर की बात की जाए तो डी 4 जो ऑप्शन है वो सही है। और जो 63वां प्रश्न है, हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है, तो वो ए है लोहारू। और अगले प्रश्न का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 3 स्तर। 65वें प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी रिफ्रेश दर। अगला प्रश्न, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन डी हिसार इसका सही ऑप्शन है। और बात की जाए क्वेश्चन 67 की, तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। और 68वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो ई इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। और जो क्वेश्चन 69 है उसकी अगर बात की जाए तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और जो 70वां प्रश्न है
उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी। और बात की जाए अगले प्रश्न की, तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन ए, आर ओ एम, रीड ओनली मेमोरी। और जहां तक अगले प्रश्न की बात है तो साथियों इसमें सही ऑप्शन रहेगा भीम अवार्ड ऑप्शन ए। और जो 73वां प्रश्न है उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, यानी कि मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के ऊपर मुझे डाउट है, इनमें से एक हो सकता है। बाकी आप देख लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी 74वें प्रश्न का जो आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा। और जो 75वां प्रश्न है उसका सही आंसर जो है वो रहेगा गुड़गांव ऑप्शन बी। और जो 76वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कब प्रारंभ किया था, तो इसका जो डी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 सही ऑप्शन रहेगा। अब आते हैं इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर और शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 77 से, तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा। और बात की जाए क्वेश्चन नंबर 78 की, तो साथियों इसमें जो ऑप्शन है आपका डी वो सही ऑप्शन रहेगा। और 79 क्वेश्चन के अंदर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। और बात की जाए अगर 80th क्वेश्चन की, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक रहेगा। और बात की जाए 81वें प्रश्न की, तो साथियों इसमें मुझे डाउट है, मेरे ख्याल से कॉज्ड और रिजल्टेड के अंदर एक हो सकता है। और 82वें प्रश्न का उत्तर जो है वो ए रहेगा, ट्रांसमिटेड। बाकी अब शुरू करते हैं हिंदी का पोर्शन। सबसे पहले जो 83वां प्रश्न है उसके अगर उत्तर की बात की जाए, तो इसमें जो ऑप्शन आपका डी है, गया प्रसाद शुल्क स्नेही, इसका सही आंसर है। और जो 84वां प्रश्न है तो उसकी अगर बात की जाए, तो साथियों उसमें सही जो ऑप्शन है वो सी है। कुछ प्रश्नों के जो आंसर हैं वो कटे हुए हैं, उस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी जहां तक प्रश्न संख्या 84 की बात है उसमें सी ऑप्शन रहेगा। और जो 85वां प्रश्न है उसमें अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। और जहां तक 86वां प्रश्न है उसकी बात की जाए, तो साथियों इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो रहेगा ए, निमिचंद्र जैन। और जो 87वां प्रश्न है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें जो सी ऑप्शन है पलवन, वो सही ऑप्शन है। और जो 88वां प्रश्न है बंगाल का काव्य के लेखक कौन है, तो डी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, इसका सही ऑप्शन है। बाकी 89वां जो प्रश्न है उसकी अगर बात की जाए तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, रहीम। और अगर अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों ये था लेखा जोखा ग्राम सचिव के पेपर का। तो साथियों कुछ प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना 100% इसमें दिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।